नमस्कार दोस्तों लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है कैसे आप सभी उम्मीद है सब अच्छे होंगे पढ़ा लिखे भी अच्छे तरीके से चल रही होगी कल हम लोगों ने जल चैप्टर पढ़ा ठीक है उसमें हमने पेयजल खारा जल भारी जल तथा भारी जल के उपयोग आदि के बारे में पढ़ा था उम्मीद है आपको उस चीज़ें समझ में आई होंगी ठीक है आज हम लोगों को पढ़ना है जल के प्रदूषण जल के प्रदूषण तथा उनसे होने वाले रोगों के बारे में ठीक है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जल प्रदूषण होता क्या है ठीक है जल प्रदूषण होता क्या है तो जल में जल में जब अवांछित रूप से अवांछित रूप से हानिकारक पदार्थ हानि कारक पदार्थ मिल जाता है मिल जाता है तो इसी को ही हम जल प्रदूषण कहते हैं ठीक है क्योंकि जल में क्या होता है अवांछित रूप से कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं ठीक है इससे होता क्या है मिलने से होता क्या है जल के प्रदूषण से होता क्या है कि जल की जो गुणवत्ता होती है जल की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है ठीक है और यह जो पानी होता है यह जो जल होता है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है ठीक है और जिससे क्या होता है जो जो हमारा जैव मंडल है जो हमारा जैव मंडल है उसका संतुलन बिगड़ जाता है ठीक है उसका संतुलन क्या होता है बिगड़ जाता है ये तो हो गया हमारा जल प्रदूषण होता क्या है जरा बात कर लेते हैं कि जल प्रदूषण करने के कारक कारक क्या होते हैं कौन से चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल प्रदूषण करती हैं जल प्रदूषण के कारण के कारण ठीक है चले इसमें क्या क्या है पहला कह सकते हैं कि घरेलू घरेलू अपशिष्ट जो आपका कूड़ा कचरा होता है ठीक है मल मूत्र आदि जल के स्रोत में जो जल के स्रोत होते हैं जाके उसमें मिल जाते हैं जाके उसमें मिल जाते हैं ठीक है या जो कपड़े धुप दू, जो धुबी कपड़े धुलते हैं नदी में जाके तो क्या करते क्या हैं जो झाग होता है जो झाग होता है ठीक है उससे क्या होता है उससे पानी भी प्रदूषण हो जाती है उसमें जाते हैं झहा रासायनिक होता है ठीक है शुद्ध जल मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है वो खराब हो जाता है ठीक है वैसे ही खेत में खेत में रासायनिक डालते हैं हम लोग रासायनिक डालते हैं उबरक डालते हैं डालते हैं ना, अब फिर क्या करते हैं फिर जब पानी बारिश होती है या किसी प्रकार से पानी उसमें आ जाता है तो जो नदी का पानी होता है जो नदी का पानी होता है उससे क्या होता है वो प्रदूषित करता है नदी के पानी को ठीक है नदियों का जल क्या होता है प्रदूषित हो जाता है उससे अब मान लीजिए आप कीटनाशक ही डाल रहे हैं कीटनाशक जैसे खटपतवार जो आप लोग जलाते हैं कीटनाशक डाल के या जो बीज के लिए डालते हैं आप लोग कीटनाशक ठीक है उससे भी क्या होता है उससे भी हमारे जल प्रदूषण होते हैं ठीक है वो भी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है बात कर लेते हैं जरा औद्योगिक औद्योगिक कारखानों की अब यहाँ से क्या होता है यहाँ जो मिल का पानी निकलता है कारखानों का जो कचरा निकलता है वो सब कहाँ जाता है सब लोग पानी में फेंक देते हैं या किसी प्रकार से इनडायरेक्टली रूप से वो जल में ही आता है ठीक है उससे क्या होते हैं उससे वहाँ जल प्रदूषण होता है ठीक है जो मृत जीव जंतु होते, होते हैं मृत जंतु आदि ठीक है वो पानी में पानी में आ जाते हैं उससे अवशेष मिलते हैं पानी में लोग फेंक देते हैं उससे क्या होता है उससे भी जल प्रदूषण होता है ठीक है जो नदियों का तालाबों का ठीक है जो प्रदूषण नापा जाता है प्रदूषण जो नापा जाता है जो नापा जाता है प्रदूषण उसका नाम होता है बी डी ओ इसको बोलते हैं प्रदूषक मापक यंत्र प्रदूषक मापक यंत्र है ये क्या है ये बी डी ओ इसका फुल फॉर्म क्या है बी डी ओ बायोकेमिकल, बायो केमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड ठीक है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है इसका नाम है ये क्या है ये प्रदूषक मापक यंत्र है ठीक है बात करते हैं जरा कि जल प्रदूषण से क्या रोग होते हैं जल प्रदूषण से होने वाले रोग के बारे में बात करते हैं ठीक है से रोग ठीक है चले तो जो दूषित पानी दूषित पानी पीने से हमें पेचिस डायरिया अतिसार टाइफाइड टाइफाइड इसे हम मियादी बुखार कहते हैं ठीक है पीलिया पीलिया हैजा जैसे रोग हो जाते हैं ठीक है पीलिया हैजा जैसे रोग हो जाते हैं ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम्स में चाहे वो टी यू पी टी टी हो चाहे सी टी ई टी हो अभी आगे देखिए और आने वाले हैं जल में विशेष प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं या आपके उसमें किसी ट्रेक्स मिल जाती हैं ठीक है थीके? तो विशेष प्रकार की जो धातु होती है उसके मिल जाने के कारण उसके मिल जाने के कारण अनेक बीमारियां होती हैं अनेक बीमारियां होती हैं मेरे आप जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है तो जल जो होते हैं उसमें विशेष प्रकार की जो धातु होती है उसमें होने के कारण जल में या मिल जाने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं ठीक है बीमारियां कौन सी हैं जैसे जल में पारा पारा घुलने के कारण घुलने के कारण जो रोग हो जाता है उसे कहते हैं मीनी माता रोग या मीना माता रोग ठीक है ये दोनों नाम इसका होगा आपको बताया था ना इसके बारे में पहले बता चुके हैं आपको एक कैसे जापान में उन्नीस में एक कंपनी थी जिसने क्या किया डाल दिया पारा उससे मछलियाँ क्या हुई मछलियाँ क्या मीना माता खाड़ी में ठीक है मीना माता खाड़ी में डाले था वो तो मछलियाँ जो थीं उससे प्रभावित हो गई संक्रमित हो गई फिर लोगों ने मछलियों को खाया उनको पारा मीना माता रोग हो गया तो जो रोग हुआ उन लोगों को मछलियाँ खाने से ठीक है तो वो क्या हुआ उसे नाम दिया गया मीना माता रोग क्योंकि जो खाड़ी का नाम था वो क्या था मीना माता ठीक है ठीक है चलिए पहले फिर से देख लेते हैं 1950 में एक कंपनी थी कोई जापान की ठीक है उसने क्या किया मीना माता खाड़ी थी एक मीना माता खाड़ी थी उसमें पारा जाके डाल दिया खराब जो पारा था अपशिष्ट पदार्थ था डाल दिया उसमें जाके उससे हुआ क्या कि जो मछलियाँ थी मछलियाँ थीं उससे वो प्रभावित हो गई ठीक है अब पानी में डाल तो मछलियाँ तो लेंगी ही उसको प्रभावित हुई फिर लोगों ने क्या किया लोगो, लोगों लोग वहाँ पे गए और मछलियाँ पकड़ के लाए और खा लिए जिससे हुआ क्या उनको एक रोग हो गया उनको एक रोग हो गया क्योंकि वो रोग मीना माता खाड़ी से हुआ इसलिए उसका नाम दे दिया गया मीना माता रोग जिससे पता चला कि पारे पारा से हमें मीना माता रोग होता है ठीक है पारा से हमें मीना माता रोग होता है वैसे ही एक धातु होती है कैडमियम कैडमियम ठीक है कैडमियम से हमें इटाई रोग होता है इटाई रोग होता है ठीक है कैडमियम से हमें इटाई इटाई रोग होता है ठीक है ध्यान रखिएगा इस सब चीज का दूषित जल पीने से दूषित जल पीने से जो मनुष्य होता है मनुष्य ठीक है मनुष्य जो होता है वो शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है विकलांग हो सकता है और और उसे त्वचा संबंधी त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं ठीक है अब इससे बचा कैसे जाए तो जल संबंधी रोगों से बचने के लिए जल को उबाल कर पीना चाहिए उबाल कर जैसे उबालेंगे गर्म लगेगा गर्म जो नहीं पीना चाहते उबाल कर रखें और ठंडा करें उसे तब पिए ठीक है उससे होता क्या है उससे जल जो होता हमारा, सुद्ध हो है हमारा शुद्ध हो जाता है ठीक है आप चाहें तो अगर उबालना चाहते हैं तो पानी में आप फिटकरी डाल दीजिए फिटकरी फिटकरी डाल के भी आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं इससे वो फिटकरी डालने से होता क्या है कि जो जल में जो कीटाणु होते हैं जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं जाके नीचे बैठ जाते हैं जो गंदगी होती है जाके नीचे बैठ जाती है ठीक है चले बात करते हैं मलेरिया की जरा इसमें बात कर लेते हैं जरा मलेरिया की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी जल से ही थोड़ा संबंधित है तो मलेरिया वहाँ होता है उस जगह होता है कह सकते हैं जहाँ वर्षा जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और पानी क्या होता है जल जो होता है वो एकत्र हो जाता है एकत्र हो जाता है ठीक है और जहाँ पे जलवायु जो है उसकी आद जलवायु जो है उसकी आर्द्रता उसकी आर्द्रता यानी कि नमी जो हो वो अधिको ठीक है वो अधिको रोनाल्ड रास रोनाल्ड रास जो रोनाल्ड रास थे उन्होंने ये ढूंढा था 1902 में इन्हें इसी के लिए नोबल पुरस्कार मिला हुआ है ठीक है कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है मच्छर के काटने से होता है इससे पहले ये जा लोग जानते थे कि पानी इकट्ठो इकट्ठा होता है उससे कुछ होता है मलेरिया हो जाता है लेकिन इन्होंने बताया कि पानी इकट्ठा होता है उससे होता है लेकिन पानी इकट्ठा होने से मच्छर होते हैं तो मच्छर के काटने से होता है मलेरिया ठीक है अब कौन सा मच्छर काटता है भाई कौन सा मच्छर काटता है तो मलेरिया जो होता है वो मादा मादा मच्छर मादा मच्छर एनाफिलीज एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है ठीक है नाम मच्छर से काटने से वो हो होता है क्या नाम है उसका एनाफिलीज ये सब चीजें याद रखिएगा आप भाई 1902 में उसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है मलेरिया में होता क्या है मलेरिया में आपको कपकपी होगा भाई कपकपी मलेरिया में आपको तेज बुखार होगा तेज बुखार होगा आपको पसीने आएंगे पसीना आएगा आपको अब जानते ही जब जा सही गर्म होता है तो पसीना आता है कल बताया था मैंने आपको ठीक है जब उसका खून जांचा जाता है खून मलेरिया जा, जांचने के लिए उस व्यक्ति का खून जांचा जाता है खून जांच के ही आप मलेरिया का पता लगा सकते हैं ठीक है चलिए, इसका इलाज कैसे होता है इलाज का क्या क्या है इसके क्या सीन है इसका इलाज का तो इसका इलाज जो होता है वो सिनकोना सिनकोना की छाल से होता है ठीक है सिनकोना जो छाल होती है उसी से दवाई बनाई जाती है ठीक है उसी की दवाई से आपका जो मलेरिया होता है वो ठीक होता है ठीक है चलिए जरा और देख लेते हैं कि मच्छर के काटने से और क्या क्या रोग होते हैं भाई मच्छर के काटने से तो मच्छर के काटने से आपका डेंगू डेंगू चिकन गुनिया चिकन गुनिया मलेरिया ये सब बीमारियां होती हैं ठीक है थीके? अब करना क्या चाहिए पहला तो ये इनसे बचने के लिए आप मच्छरदानी लगाएं मच्छरदानी का प्रयोग करें ठीक है दूसरा दूसरा जहाँ आप देखें कि आपके आसपास जल एकत्र हुए हैं जल एकत्र हुए हैं ठीक है तो करना क्या है आपको उस एकत्र जल में जाके मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए आप मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए ठीक है अब मिट्टी के तेल के छिड़काव से क्या होता है जो पानी होता है जो पानी होता है जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जल में जिससे होगा क्या जो मच्छर होंगे वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे और जो रहेंगे वही मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के ठीक है वो प्रजनन नहीं कर पाएंगे जिससे क्या होगा मच्छर पैदा ही नहीं होंगे पैदा नहीं होंगे तो लगेंगे ही नहीं भाई चले तो आगे चले हम लोग जरा अब जल के प्रदूषण को जल के प्रदूषण को रोकने के लिए जल के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है भाई क्या किया जा सकता है चलिए तो प्रदूषण जो प्रदूषित जल है आपका उससे अनेक प्रकार के आप जानते ही हैं कि रुगाण उत्पन्न होते हैं जो आपके शरीर में जाकर बहुत सी बीमारियों को जन्म देते हैं अभी मैंने आपको बताया अभी ठीक है तो इसलिए उसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए उसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो उसमें हमारा क्या दायित्व है संस्थाओं का क्या दायित्व है मानवीय क्रियाओं का क्या दायित्व है ये हमें देखना है तो सबसे पहले बात करेंगे हम नदियों व तालाबों में तालाबों में जल शुद्धिकरण जल शुद्धिकरण अभियान चलाया जाए अभियान चलाया जाए जैसे कैसे गंगा शुद्धिकरण का काम चल रहा है चल रहा है ना वैसे हम क्या करें कम से कम अपने गांव, अपने शहर में आसपास में क्या करें अभियान चला सकते हैं ठीक है या सरकार चला सकती है क्या वहां की जो गौन बॉडी होगी वो चला सकती है ठीक है दूसरा घनी आबादी अगर है घनी आबादी अगर है ठीक है तो उसके मल मूत्र नाली वगैरह के लिए अच्छा निकास होना चाहिए निकास ठीक है अच्छा निकास होना चाहिए जो पानी जाकर तालाबों आदि में मिल सके और तालाब ऐसा ऐसा तालाब जो मतलब ऐसा नहीं कि शुद्ध शुद्ध जल वाला हो ठीक है ऐसा अगर है तो मिलने लेना चाहिए ठीक है अब तो लोग क्या करते हैं अब तो लोग खत्म कर दिए तालाब मिलाने का झंझट छोड़ दी अब क्या करते हैं लोग सोखता बनवाते हैं सोखता ठीक है सोखता बनवाते हैं आपको बताया था ना कि सोखता बनवाते हैं लोग नाली के लिए गाँवों में और शहरों में सीवच जो कंट्रोलिंग होता है शहरों का पाए नगर निगम वाला ठीक है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं इससे कम खतरा होगा तालाब भेजेंगे फिर भी कुछ खतरा होगा इससे अगर करेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा किसी प्रकार का ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका नदी में नदी में सौ या अस्थि विसर्जन अस्थि विसर्जन जैसे जो परंपरा है उस पर रोक लगाया लगाई जानी चाहिए ठीक है शव तो शायद तो कोई नहीं बहाता होगा अब केवल जानवरों के, के ही है बहते हैं उसमें लेकिन अस्थि विसर्जन जो है अभी भी उस पर काम चल रहा है ठीक है तो इस पर क्या है इस पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए इस पर कुछ और इनको थोड़ा सा ऑप्शन देना चाहिए कुछ और विकल्प करना चाहिए इस पर ठीक है क्योंकि हमारे देश का ये मान्यता होता है ना सर्जन वाला इसको तो रोका नहीं जा सकता बट इसका विकल्प हमको देना चाहिए व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं आपके व्यर्थ पदार्थ ठीक है उसे हमें बहाना नहीं चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए उसे कृषि जो हमारा खेत होता है उसके उपयोग में खाद के उपयोग में लाना चाहिए ठीक है चलिए जो गंदे नाले होते हैं ठीक है जो गंदे नाले होते हैं अगर उसको तालाब में मिलाना है नदी में मिलाना है तो जो उसके रासायनिक जो उसके रासायनिक खराब चीज़ें हैं ठीक है उसको कुछ विधियों द्वारा जो विधि प्रयोग किया जाता है उसको कुछ विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं रासायनिक विधि का उपयोग कर सकते हैं उसके विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं उस पानी को थोड़ा सही कर सकते हैं तब जाके तालाब में मिला सकते हैं ठीक है और लोगों को जागरूक लोगों को जागरूक रखना, जागरू रखना चाहिए इसके प्रति जागरूक रखना चाहिए इसके प्रति ठीक है चलिए अब बात करते हैं जरा जल संरक्षण के बारे में जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं ज़रा एक मिनट चलिए चल सकता है अभी जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं तो आपको पता ही है कि जल अगर हमारे हमारे द, द, आ, दुनिया को हमारे पृथ्वी को एक ब्लू ग्रह जो ब्लू ग्रह नीला ग्रह कहा जाता है वो जानते हैं किसके लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल है इसलिए नीला है आपको मैंने बताया भी था कि जल का 97.2% 97.2% परसेंट परसेंट किसी काम का नहीं है ठीक है जो पीने योग्य पानी है कितना है 0.06% परसेंट पीने योग्य पानी है आपका ठीक है तो जानते ही हैं कितना कम है तो जल क्या है बहुत अमूल्य है और इसके बिना क्या होता है जल के बिना जीवन तो है ही नहीं ठीक है और जल के बिना जीवन तो है ही नहीं असंभव है या यह कह सकते हैं जल ही जीवन है और जो जल का वितरण है भगवान ने किया जो जल का वितरण किया है वो बहुत ही असमान किया है मुश्किल से जल का एक परसेंट एक परसेंट भाग मानव उपयोग कर सकता है पीने का पानी लेकिन इसमें जीरो पॉइंट सिक्स ही है ठीक है अब जल या ऐसा तो है ना कि बनाया सकता है ठीक है तो जल एक प्रकार प्राकृतिक है संसाधन है प्राकृतिक संसाधन है मैंने बताया कि वो सीमित ही है सीमित है उसको बढ़ाया जा सकता लेकिन उसको संरक्षित किया जा सकता है संरक्षण उसका किया जा सकता है संरक्षण करेंगे तब भी हमको पानी मिलेगा क्योंकि जल चक्र के द्वारा जल चक्र के द्वारा हम पानी पा सकते हैं जानते ही हैं कि समान वहाँ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है भूमिगत हो जाता है पानी वर्षा वाला ही कुछ ठीक है तो हमें चीज़ों को जल को दूषित होने से बचाना होगा ताकि उसका हम समय पे समय पर आने वाले समय पर हम अपना आवश्यकता अनुसार काम भी कर सकें अब जानते ही हैं कि आजकल के परिवेश में जो मॉडर्न एज आया है उसमें क्या हो रहा है उसमें तालाब उसमें पोखरे ठीक है उसमें पोखरे आज पे लोग कब्जा करके उसको लोग क्या कर रहे हैं मिट्टी पटा के उसमें घर बनवा ले रहे हैं आबादी इतनी बढ़ रही है सिंगापुर को देख लीजिए सिंगापुर को देख लीजिए उन्होंने क्या किया उन्होंने समुद्र को पाटना शुरू कर दिया समुद्र समुद्र भर रहे हैं वो तो ऐसे क्या होगा ऐसे हमारे जो स्थलीय भाग हैं उनका बढ़ तो जाएगा लेकिन जल भाग जल जो भाग है वो उसमें कमी आ जाएगी जिससे क्या होगा जो हमारे पर्यावरणीय जो स्थिति है जो हमारे जैव मंडल की स्थिति और संतुलन उसका बिगड़ जाने वाला है ठीक है तो चलिए आपने आज अपने परीक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को देखा कई सारे क्वेश्चन आपके इतने मिल गए होंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और जल का छोड़ा एक भाग हम और चलाएंगे, जल का एक और भाग हम चलाएंगे, वो भी आपके परीक्षा उपयोगी ही चीज़ें रहेंगी ठीक है तो बने रहिए हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ इस चैप्टर से आपके सात से आठ नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं ठीक है सात से आठ नंबर के क्वेश्चन फंसते हुए हैं जल जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है ठीक है जिसमें से तीन से चार नंबर के हर साल आते हैं सात से आठ जो बताया मैंने सात से आठ जो मैंने बताया वो दो हजार आपका अठारह में आया हुआ था मिला लीजिएगा ठीक है दो हज़ार सत्रह में भी आपका आया हुआ है चार आया हुआ था ठीक है तो ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप को समय में आया होगा जो समय नहीं आया होगा कमेंट करिएगा ठीक है और आप अपने लाइक शेयर और कमेंट बनाए रखिए साथ में जो आप नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें आप लोग जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका जो साथ है वो हमारे लिए, हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है हमें प्रोत्साहित करता है चीज़ों को और अच्छा लाने के लिए ठीक है हमारे दो चैनल और हैं एग्ज़ाम डोज एग्ज़ाम डोज और टीचर्स जोन टीचर्स जोन और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी आप लोग आ सकते हैं उसमें हम लोग क्विजेस कराते हैं क्विजेस कराते हैं और साथ ही हम ये सोच रखा है कि जो सुपर टेट जो सी टेट जो यूपीटेट यूपीटेट की जो क्लासेस हम लोग चलवाने वाले हैं चलवा रहे हैं, चलवा रहे हैं अब ठीक है चलवाने वाले नहीं चला रहे हैं अब ठीक है उसका जो स्टडी नोट्स है स्टडी नोट्स है ठीक है वो आपके टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे ठीक है तो सब आप चीज़ें फॉलो कर लीजिए ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद